So good afternoon everyone and welcome you all to the daily newspaper analysis of law prep tutorial. तो चलिए MCQ पर jump करते हैं सबसे पहले. First screen है आप सभी के सामने MCQ की. फटाफट से first question को read कीजिए और answer बताइए क्या होगा यहाँ पे. What is the primary cause of tuberculosis? तो TB का जो primary cause है यहाँ पे पूछा गया है क्या है. फटाक से बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा. प्राइमरी कॉज क्या होता है टीबी का यहाँ पे पूछा जा रहा है अपन से. फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा यहाँ पे. आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियम. क्लियर. क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं. विच फैमिली डस माइक्रोबैक्टीरियम टीबी बिलोंग्स टू. क्वेश्चन टू का आंसर क्या रहेगा यहाँ पे. सो क्वेश्चन टू का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी. क्लियर. क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं. इन व्हाट ऑर्गन डस टीबी कॉमनली अफेक्ट्स ह्यूमन. टीबी जो है मोस्ट कॉमनली कौन से ह्यूमन ऑर्गन पे आप इफेक्ट करता है पूछा गया अपन से. क्या आंसर होगा यहाँ पे. यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लंग्स. क्लियर. मोस्ट कॉमनली जो है टीबी लंग्स पे इफेक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं. विच कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 2/3 ऑफ न्यू टीबी केसेस इन 2019. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा यहां पे. यस द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी इंडिया इंडोनेशिया एंड चाइना. क्लियर. What does MDR TB stands for? MDR पूछा गया है यहाँ पे किसके लिए stand करता है इसका full form क्या है. क्या answer होगा यहाँ पे इसका. फिफ्थ का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट. क्लियर. विनायक ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा. फिफ्थ का होगा ऑप्शन नंबर बी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं. व्हेन वाज बीसीजी वैक्सीन फर्स्ट यूज इन ह्यूमंस. फर्स्ट टाइम इस वैक्सीन को कब यूज करा गया था. तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर. 1921 के अंदर जो है इसको फर्स्ट टाइम यहां पे यूज करा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द लेंथ ऑफ अटल सेतु मेकिंग इट द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया. सो अटल सेतु जो यहाँ पे बना है मुंबई को जो नवी मुंबई से यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है उसकी यहाँ पे लेंथ पूछी गई है. यस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 22.8 किलोमीटर जो कि हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर. क्लियर. अगर वर्ल्ड के अंदर मैं पूछूं तो कौन से नंबर पे रैंक करता है ये अटल ब्रिज अटल सेतु जो बना है कौन से नंबर का लॉन्गेस्ट ब्रिज है वर्ल्ड के अंदर. यस 12th नंबर का जो है ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है पूरे वर्ल्ड के अंदर. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं. विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर पाइल फाउंडेशन लेइंग इन
अटल सेतु मिनिमाइजिंग नॉइज डिस्टरबेंस. सो यहां पे आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर होगा. रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग जो है यहां पे इसको यूज करा गया ताकि जो है नॉइस डिस्टरबेंस होते हैं उसको यहां पे कम करा जा सके. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं. वेयर डज अटल सेतु ओरिजिनेट एंड वेयर डज इट एंड. Yes, the correct answer will be option number C. Clear? Question number 10th की तरफ move करते हैं यहाँ पे. Which two scientists developed BCG vaccine? किन दो scientists ने मिलके यहाँ पे जो है इस vaccine को यहाँ पे develop करा था? अगर आपने PDF अच्छे से read करा होगा last class का तो आपको definitely इसका answer मिलेगा. क्वेश्चन 10th का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी एल्बर्ट और दूसरे कौन से थे कैमिली. क्लियर? इन दोनों ने मिलके जो है यहाँ पे इसको डेवलप करा था. ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं रहेगा. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? तो चलिए आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं. तो फर्स्ट न्यूज है आप सभी के सामने यहाँ पे. मिजू सेट्स डेडलाइन फॉर इंडिया टू विदड्रॉ ट्रूप्स. क्लियर? सो अभी आप जैसा कि सभी जानते हैं कि इंडिया और मालदीव के बीच में जो है रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब देखने को मिल रहे हैं. अभी जो है मोहम्मद मिजू जी थे 5 days के यहाँ पे दौरे पे थे. कहाँ पे थे? चाइना में. और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी MOUs वगैरह भी साइन करे. अप्रोक्सीमेटली 20 बताया गया कि 20 MOUs इन्होंने यहाँ पे साइन करे. क्लियर? 20 चीजों के ऊपर इन्होंने यहाँ पे बात करी. चाइना में जाके उन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या रखा कि आप अपना टूरिज्म सेक्टर टूरिज्म जो है हमारे यहाँ पे बढ़ाइए. पोस्ट को प्री कोविड जो था वो वाला सिनेरियो वापस से कीजिए जो चाइना नंबर वन पे था वो वापस होना चाहिए. क्लियर? क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद क्या इंडिया आ गया था नंबर वन पे. क्लियर? तो यहाँ पे टूरिज्म बढ़ाने की बात करी गई थी उनके साथ. क्लियर? सो ये सारी बातें करी. उसके अलावा इंडिया के ऊपर मालदीव जैसे फूड से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है तो इसके रिगार्डिंग भी जो है मोहम्मद मिजू जी ने बाकी की जो कंट्रीज है वहां से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया ताकि जो फूड डिपेंडेंसी मालदीव की इंडिया के ऊपर वो भी यहाँ पे कम कर सके. क्लियर? अब इसी के चलते जो है यहाँ पे जब ये यहाँ पे वापस आए तो उसके बाद क्या इंडिया और मालदीव के रिलेशन को थोड़ा सा सही करने के लिए जो है एक हाई लेवल की यहाँ पे मीटिंग सेट करी गई. क्लियर? उस मीटिंग के अंदर ही मीटिंग के दौरान ही जो है यहाँ पे क्या कह दिया गया कि इंडिया को यहाँ पे डेडलाइन दे दी. कितने तारीख की डेडलाइन दी है? मार्च 15 की यहाँ पे डेडलाइन दी है. क्लियर? बोला गया है मार्च 15 तक जो है आप अपने ट्रूप जो है विड्रॉ कर लीजिए वापिस से. क्लियर? अब जहां पे ये रिलेशन सुधारने के लिए एक तरीके से मीटिंग करी गई थी वहीं पे ऐसा एक अगर आपके लिए आर्गुमेंट आता है तो कितना मतलब आप देख सकते हैं कि रिलेशन कितने ज्यादा खराब देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में और ज्यादा. क्लियर? अब इंडिया में इंडिया की ज्यादा ट्रूप्स वहां पे नहीं. हालांकि देखा जाए तो 88 जो है वहां पे पर्सन है. उसके अलावा एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर ऐसे 2-3 चीजें ही है. ज्यादातर इसमें से टेक्निकल स्टाफ है जो कि एयरक्राफ्ट को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए रहता है. पर यहाँ पे जो है डेडलाइन दे दी गई. क्लियर? COP28 के दौरान भी जो है यहाँ पे बोला गया था कि आप अपने ट्रूप्स को यहाँ पे हटा दीजिए पर उसके रिगार्डिंग एज सच कुछ एक्शन लिया नहीं गया था. अब जो है इसके रिगार्डिंग जो है फाइनल डेडलाइन दे दी गई है. क्लियर? अब इसी के साथ आप देख सकते हैं मालदीव्स के अंदर जो है चाइना का इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है और ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करेगा. क्योंकि इंडिया जो है अपने आसपास के नेशंस के साथ अगर अच्छा रिलेशंस बना के नहीं रखता तो चाइना का इन्फ्लुएंस हर जगह देखने को मिल सकता है. आप देखिए जैसे मालदीव्स है, उसके अलावा म्यांमार है, श्रीलंका के अंदर तो उसने पूरा डेट ट्रैप का यूज करते हुए उसको ऑक्यूपाई कर लिया एक तरीके से. उसके अलावा देखेंगे अगर आप नेपाल है, ये सारे जो एरियाज है आसपास के, पाकिस्तान है, इन सब के अंदर जो है चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है तो ये अपने लिए जो है बहुत नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है. क्लियर? क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है रिलेशन बहुत अच्छा होना जरूरी होता है. क्लियर? समझ आया? तो न्यूज यही थी कि जो ट्रूप्स थे उनको यहाँ पे हटाने के कह दिया गया और डेडलाइन क्या दी है 15 मार्च यहाँ पे डेडलाइन दी है. क्लियर? समझ आया सभी को? अब
अब यहाँ पे इंडिया एंड मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में बता रखा है कि इंडिया हमेशा क्या फोकस करता है कि नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट यूज करे, मतलब कि जो उनके आसपास के देश है। भूटान के अंदर इतना नहीं कह सकते अभी, क्योंकि भूटान के अंदर अभी जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे, वहां पे जो प्रेसिडेंट आए वो प्रो इंडिया एक तरीके से, क्लियर, वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो एज सच भूटान से इतना ज्यादा नहीं खराब है जितना कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान से, श्रीलंका से अपने चल रहे हैं, वो वाली चीज है। तो नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट यहाँ पे यूज करता है इंडिया, इसके चलते हमेशा मालदीव्स की हेल्प करी है, क्लियर। ऑपरेशन कैक्टस भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करा है, उसके अलावा प्रोजेक्ट नीर भी, ऑपरेशन नीर भी यहाँ पे करा था जब यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत थी, जब जब जिस जिस टाइम यहाँ पे जरूरत थी तब तब यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड यहाँ पे प्रोवाइड करा, चाहे सुनामी से रिलेटेड हो, चाहे मीजल्स की वैक्सीन से रिलेटेड हो, या फिर COVID-19 पैंडेमिक में वैक्सीन की यूज की जरूरत हो, क्लियर। तो इंडिया ने हमेशा नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट यहाँ पे यूज करी है। उसके अलावा बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेज है जो इंडिया मालदीव्स के साथ करता है, यहाँ पे नीम मेंशन है आपको, क्लियर। सो यहाँ पे आप एक मैप के थ्रू देख सकते हो मालदीव्स यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है, रोल प्ले करता है मालदीव्स। अब यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे हिंड्रेंस देखने को मिल सकती है, क्लियर, क्योंकि इंडिया का जो इंडियन ओशन के अंदर जो डोमिनेंस है वो बहुत अच्छा है, और यहाँ पे चाइना जो है कंटिन्यूसली, जैसे श्रीलंका के अंदर भी यहाँ पे पोर्ट स्टेब्लिश कर लिया उसने, श्रीलंका को इतना ज्यादा पैसा, चाइना क्या पॉलिसी यूज करता है, कोई भी छोटा नेशन होता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत होती है, तो वो यहाँ पे इतना फंड प्रोवाइड कर देता है, तो इनिशियल लेवल पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, पर जो कंट्रीज है वो यहाँ पे रिपे नहीं कर पाती, तो डेट ट्रैप के अंदर फंस जाती है एक तरीके से। और यहाँ पे क्या करता है, या तो लीज पे ले लेता है कुछ सालों के लिए, कुछ नहीं बहुत सालों के लिए, या फिर परमानेंटली जो है यहाँ पे उस एरिया को यहाँ पे परचेज कर लेता है। तो इस चेक के चलते जो है चाइना अपना फंड्स का बहुत ज्यादा यूज करता है, क्योंकि चाइना के पास बहुत ज्यादा यहाँ पे रिजर्व्स है, क्लियर। तो उसके चलते हर कंट्री यहाँ पे इनसे फंड्स ले लेती है, क्लियर। तो ये जो है ओवरऑल जो है रिलेशंस यहाँ पे अपन को बिगड़ते हुए दिख रहे हैं इंडिया और मालदीव्स के, पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि भले ही अपने रिलेशंस यहाँ पे थोड़े खराब मिल रहे हैं, पर एट लास्ट पूरा नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन, थोड़े थोड़े भी अगर चल रहे हैं तो उसको मेंटेन करके चलना चाहिए, ताकि जो है एकदम से यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज देखने को ना मिले। क्लियर समझ आया सभी को न्यूज? इस न्यूज को अपन 5-6 क्लासेस से लगातार डिस्कस कर रहे, एज सच इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला अपन को। नेक्स्ट न्यूज अपने पास, बैन गोज अनहीडेड एज रोस्टर फाइट्स गेट ह्यूज पेट्रोनेज इन आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग संक्रांति। सो आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तमिल साइड एरियाज के अंदर क्या रोस्टर फाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, क्लियर, और मकर संक्रांति के टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बैंस भी लग रखे हैं, पर फिर भी यहाँ पे जो है देखने को मिली है, क्लियर। संक्रांति द हार्वेस्ट फेस्टिवल बिगिन विद रोस्टर फाइट एज यूजल इन मैनी विलेजेस ऑफ आंध्र प्रदेश, यूथ वर सींग थ्रोनिंग द एरियाज टू एंजॉय द ट्रेडिशनल गेम। ये इनका ये ट्रेडिशनल गेम्स है, और यहाँ पे बहुत सारे जो विलेजेस है, डिस्ट्रिक्ट्स है, उनके अंदर ये अरेंज होता है, अपन को देखने को मिला है, क्लियर। इस मैच के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे यहाँ पे गैम्बलिंग भी होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे अमाउंट के यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं जो रोस्टर्स है इनकी भी बोली लगती है एक तरीके से, मतलब आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली बैट लगती है 2-2 लाख रुपीज की, क्लियर। तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, गैम्बलिंग एक तरीके से इंक्रीज होती है इन सब के चलते। सो ये सब देखा गया अभी मकर संक्रांति के दौरान आंध्र प्रदेश के अंदर, क्लियर। ये बैन है एक तरीके से, पर फिर भी जो है यहाँ पे कंडक्ट हुआ है, तो इसके चलते जो है ये न्यूज के अंदर है। इसको कॉक फाइट भी कहा जाता है। अ कॉक फाइट इज अ ब्लड स्पोर्ट हेल्ड इन अ रिंग कॉल कॉकपिट। द हिस्ट्री ऑफ द रेजिंग फॉल फॉर फाइटिंग गोज बैक 6,000 ईयर। अब यहाँ पे क्या है, ये 6,000 ईयर्स पुराना यहाँ पे ये चलता हुआ आ रहा है। कॉक फाइटिंग इन इंडिया प्राइमरीली टेक प्लेस इन जनवरी कॉन्साइडिंग द मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के साथ यहाँ पे ये होता है हमेशा, और आंध्र प्रदेश और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है होता है, डिस्पाइट बीइंग इलीगल इन इंडिया, इंडिया के अंदर इसको इलीगल बोल दिया गया है। किसके चलते बोला गया, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी
टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत जो इसको यहाँ पे इलीगल बता दिया गया है, क्योंकि एक तरीके से एनिमल्स के साथ यहाँ पे क्रुएल्टी होती है, दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे जिंदा बचता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या, इनके जो पांव होते हैं, इनके जो फेदर्स होते हैं, उनके अंदर नाइव्स और ब्लेड्स यहाँ पे अटैच कर दी जाती है, जिसके चलते जो है ब्लड स्पॉट होता है बहुत ज्यादा यहाँ पे, और कोई भी एक ही बर्ड यहाँ पे जिंदा बच पाता है, क्लियर। तो एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी देखने को मिलती है, इसके चलते यहाँ पे इसको एनिमल्स एक्ट 1960 के अंदर यहाँ पे इसको इलीगल बता दिया गया था, फिर भी जो है बहुत सारे एरियाज के अंदर ये होता है, क्लियर। In January 2018, the Supreme Court allowed the sport to be held in a traditional way. अब 2018 के अंदर जो है Supreme Court ने बोला कि हाँ आप कंडक्ट कर लो, पर इसको ट्रेडिशनल वे में करो, कि knives और जो blades है उनका यूज ना करो, और विदाउट gambling और betting इसको आप कंडक्ट कर सकते हो, क्लियर। Despite the ban, cock fighting is still popular in Andhra Pradesh. फिर भी जो है अभी ये देखने को मिलती है, या फोटो देख सकते हो, क्लियर। समझ आया सभी को? नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करें। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे एडिटोरियल, अ स्पीकर्स फ्लॉड मूव टू डिटरमाइन द रियल फैक्शन। ये वाला जो एडिटोरियल है अभी जो महाराष्ट्र के अंदर सीन चल रहा है उससे रिगार्डिंग है, क्लियर, जो एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना के रिलेटेड है, या फिर उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना से रिलेटेड ये जो है पूरा एडिटोरियल है, क्लियर। अगर इसकी स्टार्टिंग से अगर बात करते, पूरा अगर पूरा मैटर समझते स्टार्टिंग से हुआ क्या, तो चलिए वो देखते हैं। 2019 में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, क्लियर, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन होते हैं। अब वहां पे क्या, बीजेपी एंड शिवसेना यहाँ पे अलायंस फॉर्म करते हैं और इलेक्शन फाइट करते हैं, क्लियर। अदर कौन कौन से होते हैं और भी जो यहाँ पे पार्टीज लड़ रही होती है, कौन सी होती है, एनसीपी होती है या फिर आईएनसी होती है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, क्लियर। ये दो और भी पार्टीज होती है जो यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, क्लियर। सो अलायंस फॉर्म करते हैं और यहाँ पे डिसाइड करते कि अगर वो जीतते तो मिलकर गवर्नमेंट यहाँ पे रन करेंगे। तो इलेक्शन कंडक्ट होते और जीतते ये लोग हैं, और जीतने के बाद क्या होता है, शिवसेना की तरफ से बोला जाता है कि सीएम जो होगा, चीफ मिनिस्टर जो होगा, हमारी तरफ से हम बनाना चाहते हैं, या फिर जो 5 ईयर का यहाँ पे टर्म होता है उसमें 2.5 ईयर आपकी तरफ से, 2.5 ईयर हमारी तरफ से, पर बीजेपी जो इसके रिगार्डिंग रेडी नहीं होते, क्लियर। तो यहाँ पे जो है शिवसेना जो होती है यहाँ पे इनके साथ हट जाती है, इनसे निकल जाती है, इनके साथ से बाहर आ जाती है, और उसके बाद जो दूसरी पार्टीज होती है एनसीपी और आईएनसी, उनके साथ मिलके ये लोग क्या, गवर्नमेंट फॉर्म करते, क्लियर, और क्या नाम देते हैं, महा विकास अगाड़ी, क्लियर। ये यहाँ पे फॉर्म होती है, क्लियर, और इसके यहाँ पे सीएम कौन बनते हैं, उद्धव ठाकरे यहाँ पे इसके सीएम बन जाते हैं, क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे जो होता है एकनाथ शिंदे जो होते हैं और उनके साथ कुछ एमएलए मिलके जो होते हैं यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं, शिवसेना से अलग हो जाते हैं, क्लियर। और रीजन क्या देते हैं, आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, क्योंकि जो बीजेपी है उनकी आइडियोलॉजी और शिवसेना की आइडियोलॉजी अप्रोक्स यहाँ पे सेम चलती थी, अब यहाँ पे एनसीपी के साथ अगर वो मिक्स हो गए तो यहाँ पे जो इनकी आइडियोलॉजी अलग अलग चल रही थी, और कुछ जने जो थे इससे रिगार्डिंग हैप्पी नहीं थे, जैसे कि एकनाथ शिंदे थे, उन्होंने कुछ एमएलए के अपने साथ लेके यहाँ पे सेपरेट हो गए, क्लियर। जिसके कारण क्या हुआ, ये जो महाविकास अगाड़ी थी ये माइनॉरिटी के अंदर आ गई, ये माइनॉरिटी के अंदर आ गए, माइनॉरिटी में आने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे इनकी सरकार एक तरीके से गिर गई। समझ आया सभी को? यहाँ पे एकनाथ शिंदे ने क्या किया, अपने साथ एमएलए को, बहुत सारे एमएलए को लेकर ये लोग सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे जैसे ही माइनॉरिटी के अंदर आए, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जो थे महाराष्ट्र के, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को बोला कि आप फ्लो टेस्ट करिए। फ्लो टेस्ट किस लिए होता है, मेजोरिटी चेक करने के लिए। अब इसके चलते जो है उद्धव ठाकरे जी ने यहाँ पे मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, और उन्होंने यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी ने यहाँ पे क्या करा, रिजाइन दे दिया, क्लियर, इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते यहाँ पे जो है एकनाथ शिंदे जो है यहाँ पे बीजेपी के साथ चले गए थे, इन्होंने अपनी अलायंस यहाँ पे इनके साथ बना ली थी, क्लियर, और इसके चलते जो है यहाँ पे ये सीएम बन जाते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र के, क्लियर है यहाँ तक स्टोरी। अब यहाँ पे जब ये सीएम बन जाते हैं तो इसके चलते जो है उद्धव ठाकरे जी जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पे
इनके खिलाफ यहाँ पे पिटीशन फाइल करते हैं, वो बोलते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पे पिटीशन किस किस के चलते यहाँ पे फाइल करते हैं, ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो हमारी पार्टी के विप थे उनका जो कमांड था, उनका जो यहाँ पे कहना था उसको यहाँ पे फॉलो नहीं करा गया एकनाथ शिंदे जी के द्वारा, जिसके चलते जो है इनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। क्लियर समझ आ रहा है सभी को? उसके चलते इनको बोला गया कि यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। इन्होंने जो हमारे विप थे सुनील प्रभु थे उस समय, उनकी यहाँ पे बात नहीं मानी तो यहाँ पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। क्लियर, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है उसके बारे में अच्छे से वापस देखेंगे। विप एक तरीके से आप मान लो मॉनिटर होता है एक तरीके से, मतलब वो जो कहता है ना उसको मानना ही पड़ता है। मतलब विप ने अगर आपको बोल दिया कि ये बिल आ रहा है, इस बिल के लिए सबको हाँ भरनी है, तो सबको हाँ भरनी पड़ेगी। अगर कोई ना कर देता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत क्या होता है उसको वहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। क्लियर, विप एक तरीके से एक पर्सन होता है जो मॉनिटर करता है सारी चीजें, उसको आप क्लास का मॉनिटर बोल सकते हो कि क्लास का मॉनिटर जो बोलता है वो सबको करना ही पड़ता है। क्लियर, तो ये सारी चीजें होती है। तो इसके चलते इन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला कि हमारे विप ने जो चीज कही थी उसको इन्होंने फॉलो नहीं करा, इसके चलते क्या इनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई यहाँ पे कर दिया जाए। क्लियर, सेम चीज जो है एकनाथ शिंदे जी ने भी बोल दी कि हमारे भी यहाँ पे हमारे पास ऐसी कुछ चीज आई नहीं कि विप ने क्या बोला और हमारे विप ने जो इनको बोला वो इन्होंने फॉलो नहीं करा, तो इनको भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। क्लियर, तो ये सारी न्यूज चल रही थी। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने किसको यहाँ पे पावर दी, सुप्रीम कोर्ट ने कब, मई 2023 के अंदर जो है यहाँ पे गवर्नर को बोला। सबसे पहले तो गवर्नर को बोला कि आपने जो यहाँ पे फ्लोर टेस्ट की यहाँ पे मांग करी थी वो गलत चीज थी। खैर वो चीज अब हो नहीं सकती क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम चला गया था, तो उसको वापस सही करा नहीं जा सकता। दूसरी चीज यहाँ पे बोली कि स्पीकर की ड्यूटी है डिसाइड करना कि कौन सा जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होंगे, कौन पर्सन जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होंगे। क्लियर, नहीं गवर्नर ने स्टार्टिंग में बोला था ना विनायक जी कि आपको फ्लोर टेस्ट कराना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो चीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गलत बोला था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वो अगेंस्ट द रूल है। क्लियर, तो दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोला गया, स्पीकर को बोला गया, स्पीकर कौन थे उस समय, राहुल नार्वेकर जी। क्लियर, इनको बोला गया कि अब आपकी ड्यूटी है, इसके रिगार्डिंग जो है आपको जजमेंट देना है, ये महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर है। क्लियर, तो यहाँ पे इनको टाइम पीरियड दिया जाता है 31 दिसंबर तक का कि आपको जो है 31 दिसंबर 2023 तक जो है आपका जजमेंट जो भी आपको देना है। क्लियर, तो इन्होंने इस जजमेंट को जो है 10 डेज और डिले करा और डेट मांगी आगे 10 जनवरी तक, इन्होंने बोला 2024 तक हम दे देंगे। तो 10 जनवरी 2024 को जो है इन्होंने फाइनली यहाँ पे अपना जजमेंट दिया और यहाँ पे क्या बोला कि एकनाथ शिंदे जी का जो फैक्शन है जो उनके साथ अलग होके एमएलएस गए थे, उनका जो फैक्शन है वो रियल फैक्शन है, वो रियल शिवसेना है। क्लियर, ना कि जो उद्धव ठाकरे जी वाली है वो रियल शिवसेना है। तो यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी वाले शिवसेना को यहाँ पे इनको रियल बता दिया गया। और दूसरा इन्होंने क्या बोला कि कोई भी एमएलए जो होगा वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। क्लियर, कोई भी एमएलए जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। क्लियर, तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे बोली जो कि गलत चीज थी। अगर आप देखा जाए, एक बार मैं इसको रेस कर देता हूं यहाँ पे स्टार्टिंग से, अगर अपन एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें बोली गई, अगर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन जो है अगर वो इलेक्शन जीतता और इलेक्शन जीतने के बाद वो किसी और पार्टी के साथ मिल जाता है तो वहां पे उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। दूसरा क्या थे कहा कि विप अगर कुछ जारी करता है अपने हिसाब से और उसको कोई मानता नहीं एमएलए तो उसको उस केस में डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तीसरा होता है अगर कोई किसी पर्सन को यहाँ पे नॉमिनेट करा जाता है पार्टी में आने के लिए और वो उसको 6 मंथ का यहाँ पे टाइम दिया जाता है, अगर वो 6 मंथ्स के बाद आते हैं तो उस केस में भी उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। क्लियर, और एक और होता है यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर इलेक्शन जीतता है और वो दूसरी पार्टी के साथ जाके यहाँ पे मर्ज हो जाता है, कोई भी एक पर्सन अगर पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में मिक्स हो जाता है तो उस केस में भी उनको क्या यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। पर इन सब के लिए क्या है एक 2 एक्सेप्शन रख रखे। क्लियर, पहला एक्सेप्शन तो क्या है 2/3 अगर मेजोरिटी के साथ अगर कोई अलग होते हैं सेपरेट होते हैं। क्लियर, और दूसरी पार्टी में जाके जो है अगर यहाँ पे मर्ज होते हैं
तो उस केस में जो है इन एमएलएस को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे यही देखने को मिला था कि यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ यहाँ पे निकलते हैं, क्लियर, और किसी के साथ यहाँ पे मर्ज नहीं होते, पर तो उस केस के अंदर यहाँ पे क्या इनको डायरेक्टली ही डिस्क्वालीफाई दे देना चाहिए था, जो कि यहाँ पे जो स्पीकर है उन्होंने यहाँ पे नहीं किया, क्लियर। तो ये चीज के बारे में ही यहाँ पे बोला जा रहा है, स्पीकर फ्लॉड मूव टू डिटरमाइन द रियल फैक्शन। और इनको तो बोला ही नहीं था स्पीकर को कि रियल कौन है और गलत कौन है ये बताना, उनका काम ये था कि कौन से एमएलए को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करना, रियल बताना अनरियल बताना उनका वर्क नहीं है, क्लियर। पर उन्होंने इस चीज के बारे में भी बोल दिया कि एकनाथ शिंदे वाला फैक्शन जो है यहाँ पे रियल है, जो कि उनका वर्क ही नहीं, इसको बताना। जो 2/3 वाली बात थी वो इनका एक्चुअल में था कि अगर 2/3 यहाँ पे निकलते एमएलए तो अपनी पार्टी वो बना सकते या फिर किसी और के साथ यहाँ पे ज्वाइन होना उनका जरूरी है, क्लियर। तो यहाँ पे किसी के साथ ज्वाइन हुए नहीं तो उसके चलते इनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ये चीज मेंशन है, क्लियर, समझ आया सभी को। तो ये पूरा एडिटोरियल इस बारे में ही बात कर रहा है, जो गवर्नर जो स्पीकर है उन्होंने जो फ्लॉड मूव लिए उसके कारण क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, क्लियर। क्योंकि एक तरीके से आप देखो जो स्पीकर होता है ना वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है जो पार्टी रनिंग के अंदर होती है, क्योंकि उन्हीं का मेंबर होता है वो। तो यहाँ पे जो है स्पीकर जो है वो फुली इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो उनके जो डिसीजन होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा बायसनेस देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको इस एडिटोरियल में देखने को मिलेगी, क्लियर। अब स्पीकर जो होते हैं ना उनके पास बहुत ज्यादा पावर भी होती है और उसका वो मिस यूटिलाइजेशन भी करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे एक तो टाइम फ्रेम, उनका कोई टाइम फ्रेम ही डिसाइडेड नहीं कि इतने टाइम के अंदर उनको ये चीज आंसर देना है। तो ये क्या है जो भी पार्टी मेजोरिटी के जो भी पार्टी वहां पर रूलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को ये चेंज करते रहते हैं, क्लियर। तो एक तरीके से बाइसनेस होती है इसके अंदर भी। दूसरा अगर देखे तो इसके लिए क्या बोला गया है कि एक प्रॉपर यहाँ पे पैनल बनाना चाहिए और वो पैनल डिसाइड करे कि कौन होगा यहाँ पे स्पीकर, ताकि जो है कोई भी इन्फ्लुएंस ना रहे स्पीकर के ऊपर। तो ये पैनल की ड्यूटी होनी चाहिए एक प्रॉपर बना के कि डिसाइड करे कि कौन रहेगा स्पीकर, क्लियर, जिसके कारण बायसनेस ना हो, इंडिपेंडेंट वे में वो अपना जजमेंट यहाँ पे पास कर पाए, क्लियर। तो ये सारी चीजें स्पीकर के बारे में इस पूरे एडिटोरियल में बता रखी है, समझ आया सभी को। स्टार्टिंग से पहले अपन ने देखा इशू क्या था, फिर यहाँ पे स्पीकर के रोल के अंदर ही यहाँ पे बता रखा है कि क्या चीजें यहाँ पे गलत करी है, क्या चीजें उन्होंने सही करी है, क्लियर। तो ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अगर देखें, जो मैंने आपको बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, इफ द इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरली गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अब वो पॉलिटिकल पार्टी में है पर उन्होंने अपनी मेंबरशिप दे दी तो वहां पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ ही वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन एनी इशू अगेंस्ट द डायरेक्शन इशूड बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी, अब ये वाला जो पॉइंट है ना व्हिप के रिगार्डिंग ही है कि व्हिप ने जो इशू कर दिया उसको अगर इनके खिलाफ अगर गए, उनके अगेंस्ट अगर गए वोटिंग के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, तो वहां पे उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, कोई पर्सन जो है इंडिपेंडेंटली यहाँ पे इलेक्शन जीता पर जीतने के बाद उसने कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो वहां पे भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि पर्सन ने उसको इलेक्ट इसलिए करा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट था। अगर करना होता तो दूसरी पार्टी को ही कर देते ना, उसकी इंडिपेंडेंस देख के ही लोगों ने उसको इलेक्ट करा था, वो जाके दूसरी पार्टी में मर्ज हो रहा है तो गलत चीज है। इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी After the expiry of 6 months, तो 6 months का nomination time जैसे मैंने आपको कहा था दिया जाता है, अगर उसके बाद कोई join करता है तो disqualify कर देते हैं। अब anti defection law लाया इसलिए गया ताकि सरकार की stability को यहाँ पे बना के रखा जा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा दिखा गया कि सरकार गिराने के लिए जो है इसका बहुत ज्यादा use करा जाता है, clear? कि persons जो होते हैं बहुत ज्यादा majority के अंदर जो है एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में चल जाते हैं और जिसके कारण पूरी सरकार यहाँ पे गिर जाती है, क्लियर। पहले जो अभी अपन 2/3 की बात कर रहे हैं, पहले क्या था केवल 1/3 ही प्रोविजन था कि 1/3 भी अगर चले जाते हैं और कोई और पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उस केस में उनको एग्जेम्प्ट है कि डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा, पर 1/3 वाला एरिया अपन को बहुत ज्यादा देखने को मिला और 1/3 बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल 18 एमएलएस है, अब इसमें से पहले 1/3 बोला गया था, मतलब 6 एमएलए मिलके अगर निकल जाते हैं दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो भी इनको यहां पे डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा। 2/3 मींस 12 एमएलएस, तो थोड़ा ज्यादा अमाउंट यहां पे रखा गया, पर ये जो चीज है अभी भी देखने को मिल रही है कि 2/3 के साथ भी जो है यहां पे पार्टीज के थ्रू निकला जा रहा है, क्लियर। 2003 से पहले कौन सा था 1/3 वाला लागू था, 3 के बाद यहाँ पे 2/3 वाला कर दिया गया, समझ आया सभी को। रोल ऑफ स्पीकर यहाँ पे बता रखा है कि स्पीकर के क्या रोल होते हैं,
क्लियर। रोल ऑफ स्पीकर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें आप पीडीएफ के थ्रू रीड कीजिएगा, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। इश्यूज सराउंडिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर, तो स्पीकर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज होते हैं। पार्टीशनशिप होता है एक, तो कि स्पीकर क्या होता है, बहुत ज्यादा बायस होता है, न्यूट्रलिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है, क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑफिस को भी एक तरीके से इसको हिंडर होता है। यूज ऑफ डिस्क्रिशन, मतलब वो खुद ही की पावर का यूज करता है, खुद ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करता है, जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी चली जाती है। यहाँ पे प्रॉपरली जो है क्रिटिसिज्म होता है स्पीकर का इस बेसिस के ऊपर, क्लियर, क्योंकि वो अनफेयर होता है, खुद के बेसिस पे यहाँ पे आंसर देता है, क्लियर। हैंडलिंग ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट जो है वो अपनी पार्टी के फेवर के अंदर ज्यादा आंसर देता है, तो डिस्प्यूट्स हैंडल करने के बेसिस पे भी स्पीकर को जो है क्रिटिसाइज करा जाता है। मीडिया के साथ रिलेशन, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्पीकर अपने तक ही रखता है, जो मीडिया को प्रोवाइड करनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। हैंडलिंग ऑफ डिसक्वालिफिकेशन केसेस, जैसा कि अभी वाला केस आप जानते हैं कि डिसक्वालिफिकेशन केसेस के अंदर जो है अच्छे से हैंडल नहीं करा, जिसके चलते जो है गलत यहाँ पे देखने को मिला अपन को। फॉरेन मॉडल्स टू मेक ऑफिस ऑफ स्पीकर मोर इफेक्टिव, अब यहाँ पे एडिटोरियल में अपन को बता रखा है कि फॉरेन के अंदर जैसे स्पीकर को यहाँ पे बताया गया है कैसे यहाँ पे पावर्स दी जाती है, वो मॉडल अपन को अडॉप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूके के अंदर क्या होता है, टू एंश्योर द ऑफिस इम्पार्शियलिटी द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इन द यूके इज ट्रेडिशनली रिक्वायर्ड टू रिजाइन फ्रॉम हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉन बीइंग इलेक्टेड टू द पोजिशन। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई स्पीकर, कोई पर्सन अगर स्पीकर की पावर पाता है तो जिस पार्टी से आ रहा होता है उस पार्टी से उसको रिजाइन करना पड़ता है, क्लियर, प्रॉपर्ली यहाँ पे रेजिग्नेशन देना पड़ता है, और तब तक के लिए देना पड़ता है जब तक वो स्पीकर है। जब वो स्पीकर की पोजीशन हट जाता है तो वापस उनको पार्टी में ले लिया जाता है, तो ये चीज जो है एक तरीके से उसको इंडिपेंडेंट वर्क करने में हेल्प करती है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से वो बाउंड नहीं होते पार्टी के लिए यहाँ पे आंसर करने के लिए, क्योंकि रिजाइन कर दिया होता है, क्लियर। तो यहाँ पे उसी तरीके से कैनेडा का भी एग्जाम्पल है, सो ये आप पीडीएफ के थ्रू रीड करना। नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे। प्रोहिबिटिव गेन्स राइजिंग फूड प्राइजेस में अफेक्ट ऑलरेडी वीक कंजप्शन ऑफ गुड, इसके बारे में सैटरडे के अंदर, सैटरडे की क्लास के अंदर डिटेल के अंदर अपन ने बात करी थी इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग, जो टॉपिक आया था। ये जो आर्टिकल है, ये जो एडिटोरियल है उसी के ऊपर है, क्लियर, सीपीआई से रिलेटेड जो था ना, अपन ने देखा था रिटेल इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज हो गया, तो ये एडिटोरियल उसी को फोकस करते हुए यहाँ पे है, क्लियर। तो टर्म्स अगर किसी को अच्छे से जाननी हो तो सैटरडे वाली क्लास देख लेना, उसके अंदर सारी टर्म्स को वहां पे डिटेल में अपन ने डिस्क्राइब करा था, क्लियर। तो इन्फ्लेशन की अगर बात करते हैं, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में और ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इस पूरे एडिटोरियल के अंदर दो टाइप के यहाँ पे बात करी गई, एक होता है हेडलाइन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, दूसरा क्या होता है कोर इन्फ्लेशन। इन दो टाइप की यहाँ पे बात करेगी। अगर हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन का अगर अपन डिफरेंस देखें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है ना वो टोटल इन्फ्लेशन होता है, जितना भी यहाँ पे जैसे रेट दी भी हो, फॉर एग्जांपल 6.8% यहाँ पे बोला है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है, मतलब टोटल यहाँ पे जो है। और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है टोटल, टोटल में से जितने भी वॉलेटाइल चीजें होती है, जैसे कि फूड से रिलेटेड प्राइसेस होती है या फिर फ्यूल से रिलेटेड होती है, इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पे जो होता है कोर इन्फ्लेशन आता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए फोटो भी लगा रखा है हेडलाइन इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन का। हेडलाइन में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज मींस टोटल यहाँ पे इंक्लूडेड होता है, और यहाँ पे क्या फूड और एनर्जी जो होती है उसको, यहाँ पे वॉलेटाइल जो चीजें होती है उनको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण कोर इन्फ्लेशन निकलता है, क्लियर। तो ये दो टर्म्स होती है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फूड के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे इंक्रीज होने को देखने मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है डिक्रीज देखने को मिल रहा है कंजप्शन के अंदर, क्लियर। और जो कंजप्शन होता है वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके अंदर, जीडीपी के अंदर, जीडीपी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंजप्शन, क्लियर। क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग को ले लो, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है जॉब क्रिएशन भी जो होता है वो इंक्रीज देखने को मिलता है, क्लियर। और अभी क्या देखने को मिल रहा है, अभी जो है गुड्स का जो कंजप्शन है, गुड्स के अंदर मैं गुड्स की कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ, फूड रिलेटेड, मोबाइल रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सारी चीजें जो होती है, सर्विस वाली ले लो चाहे उबर ओला, ये सारी चीजें गुड्स के अंदर आती, तो इसका जो कंजप्शन है वो यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है इन्वेस्टमेंट भी जो है
यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन भी जो होगा वो डिक्रीज हो रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो ये पूरी साइकिल है, मतलब आप देख सकते हो कंजप्शन का कितना बड़ा रोल होता है इकोनॉमी के अंदर एक। क्लियर? तो जीडीपी के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है यहाँ पे कंजप्शन, समझ आया? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली अपन को इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो मिडिल क्लास जो लोग हैं, मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास से नीचे हैं, उनकी जो पर प्लेट प्राइस है, मतलब पर प्लेट मींस एक बार का फूड कंज्यूम करने का जो रेट होता है, पर प्लेट प्राइस जो होता है यहाँ पे वो इंक्रीज हो गया है, जिसके कारण जो है उनका कंजप्शन यहाँ पे कम हो गया है। क्लियर? कंजप्शन कम हो गया तो इसके रिगार्डिंग अपन ने देखा था ये किस किस को हिंडर करता है, ग्रोथ को हिंडर करता है, ये जॉब को हिंडर करता है, ये सारी चीजें इससे इंपैक्ट होती है। क्लियर? सो इन्फ्लेशन विल इंपैक्ट ऑन परचेसिंग पावर एंड सोशल एस्पेक्ट्स। इसके अलावा सोशल एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग भी ये जो है इंपैक्ट करता है, क्योंकि प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता किसी पर्सन को, क्योंकि इसकी पर प्लेट प्राइस यहाँ पे राइज हो गई, तो जो पुअर पर्सन होते हैं वो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसके कारण न्यूट्रिशन उनकी हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये पूरा एडिटोरियल जो है इसी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम चीजें फैक्चुअल दे रखी, यहाँ पे आपको डेटाज दे रखे, पर मैंने आपको पूरा क्रक्स बताया कि कैसे क्या चीजें इंपैक्ट होती है। क्लियर? इसमें तो सिर्फ मेजरली क्या है, यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, नंबर्स के बेसिस पे नंबर्स जो है आप रीड करके समझ सकते हैं अपने आप से। क्रक्स जो था वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। क्लियर? अब अपन ने क्या देखा था, इन्फ्लेशन को किससे मेजर करा जाता है, सीपीआई के द्वारा यहाँ पे मेजर करा जाता है और डब्ल्यूपीआई के द्वारा यहाँ पे मेजर करा जाता है। 2004 के बाद क्या हुआ, 2014 के बाद आई थिंक, हाँ 2014 के बाद यहाँ पे गया सीपीआई को यूज करा गया इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए, क्योंकि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व होती है, डब्ल्यूपीआई के अंदर सिर्फ गुड्स ही इन्वॉल्व होते हैं, तो करेक्ट मेजर करने के लिए यहाँ पे सीपीआई का इस्तेमाल करा गया। अब इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई करता है। क्लियर? आरबीआई ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बना रखी है, उसके चलते जो है प्रॉपर यहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को यहाँ पे ट्रीट करा जाता है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने लिमिट्स क्या सेट कर रखी है कि मिनिमम जो है 2% रहना चाहिए, मैक्सिमम जो है 6% रहना चाहिए, और 4% जो है ऑप्टिमम होता है। क्लियर? तो इसके आगे अगर जाता है और इसके नीचे अगर जाता है तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है अपने यहाँ पे रिकमेंडेशंस देने स्टार्ट हो जाते हैं और अपने जो है यहाँ पे मेजर्स स्टार्ट हो जाते हैं करने। क्लियर? मेजर्स के अंदर क्या क्या करते हैं वो लोग, जैसे अलग अलग टाइप की रेट्स होती है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट्स, SLR, CRR, ये सारी चीजों में वो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, जिसके चलते जो इन्फ्लेशन और डिक्रेशन जो है यहाँ पे कंट्रोल होता है इकोनॉमी के अंदर। क्लियर? इसके बारे में डिटेल में अपन बात कर चुके ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर, सो बैंक रेट वगैरह सारे पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में बात करी थी, कौन सी चीज क्या होती है एक्सप्लेन अच्छे से करा था, तो किसी को अगर समझ ना हो तो वो वाली क्लास आप देखना सैटरडे की, उसके अंदर सारे पॉइंट्स जो है डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रखे। क्लियर? सो यहाँ पे मैंने अगेन वही चीज यहाँ पे बता रखी, कॉजेस क्या क्या होते हैं इन्फ्लेशन के, दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, एक डिमांड पुल, कॉस्ट पुश को अपन सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें उस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारे रीजन है जिसके कारण इन्फ्लेशन होता है। WPI एंड CPI का यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, बेस ईयर जो होता है WPI में 2011-12 होता है, और CPI के अंदर क्या होता है 2012 होता है। क्लियर? इसके अंदर से प्राइस होती है सीपीआई की, रिटेलर्स के ऊपर यहाँ पे इफेक्ट होता है, रिटेल कंज्यूमर मींस आप जैसे और हमारे जैसे लोग, डायरेक्टली जो कंज्यूमर से इफेक्ट होता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर प्राइस पे करते हैं। डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स इंक्लूडेड होता है, सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड होती है। क्लियर? समझ आया सभी को? सो नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं, कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए समझ आया क्या, नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करा जाए। सो यहाँ पे नेक्स्ट एडिटोरियल अपना रेगुलेटिंग इंडियाज ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। क्लियर? सो ये पूरा एडिटोरियल जो है गेमिंग के ऊपर है, गेमिंग के जो प्रोज है, जो कॉन्स है, उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है, गेमिंग सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी के अंदर उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है, आने वाले टाइम में कैसे गेमिंग सेक्टर जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर उसके बारे में इस एडिटोरियल में बता रखा है। क्लियर? सो
अगर अपन बात करते हैं ऑनलाइन चीजें जो है आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जैसे कि आप देख सकते हो एआई का यूज हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई है, क्लियर। और इनके चलते जो है प्रॉपर यहाँ पे रेगुलेटरी बातें भी करी जा रही कि प्रॉपर यहाँ पे रेगुलेशन होना चाहिए, ये सब चीजें होना चाहिए, क्लियर। पर ऑनलाइन के अंदर ही एक और चीज हो जाती, कौन सी, गेमिंग इंडस्ट्री, जिसके ऊपर अभी रेगुलेशन की इतनी ज्यादा बात नहीं हुई है और ये बहुत ज्यादा जरूरी इनको रेगुलेट करना, क्लियर, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले। कैसे कैसे नेगेटिव इंपैक्ट? सबसे पहला होता है एडिक्शन, क्लियर। जो गेमिंग सेक्टर के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं वो पर्सन यहाँ पे एडिक्टेड पाए जाते हैं, वो दिन भर, जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी पबजी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इंडिया के अंदर देखने को मिला था। बच्चे जो थे पूरे पूरे दिन इसमें इन्वॉल्व रहते थे, जो एडिक्ट हो गए थे एक तरीके से, मतलब उनको खाने पीने की भी टेंशन नहीं है, मतलब गेमिंग करना है वो भी पबजी खेलना है पूरे दिन, क्लियर। तो इस सब के चलते जो है मेंटल हेल्थ पे भी जो है उनके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है और उनका पूरा बिहेवियर जो है एक तरीके से पूरा इन्फ्लुएंस हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है, वो एग्रेसिव हो जाते हैं, ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, क्लियर। आप सभी जानते हैं पबजी के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस है एक तरीके गेम में, तो दिन भर अगर यही चीजें करते हैं तो उनको मेंटली यहाँ पे इफेक्ट होता है, क्लियर, और वायलेंस उनके ब्रेन के अंदर, उनके पूरे इमोशंस के अंदर इंक्रीज हो जाती है, क्लियर। सोशल लाइफ गेट्स अफेक्टेड, राइट, सोशल लाइफ तो इफेक्ट होगी डेफिनेटली, अगर वो 7-8 घंटे दिन के अगर यहाँ पे फोन के अंदर ही लगे रहेंगे गेमिंग के अंदर, तो सोशल लाइफ कैसे करेंगे, मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह से कैसे मिलेंगे, बात करेंगे, क्लियर। तो ये चीज होती है। दूसरा होता है गैम्बलिंग, गैम्बलिंग भी जो है डे बाय डे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्रीज के कारण, क्लियर। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ऐप्स है जो कि गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं, क्लियर। सो इसके चलते गैम्बलिंग इंक्रीज हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, फ्रॉड से रिलेटेड केसेस हुए, क्लियर। उसके अलावा और क्या, सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये सारी चीजों के बारे में एडिटोरियल बात कर रहा है कि ये सारे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि देखने को मिल रहे गेमिंग सेक्टर के अंदर अंदर, क्लियर। जिसके चलते जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ चीजें ट्राई भी करी थी, कैसे कैसी चीजें ट्राई करी उन्होंने, यहाँ पे टैक्स इंक्रीज करा गेमिंग के अंदर, गेमिंग सेक्टर से, जैसे कि आप सभी जानते हैं ड्रीम इलेवन हुआ या फिर MPL हुआ, इसके थ्रू अगर कोई पर्सन अर्न करता है तो उस पर जो है टैक्स इन्होंने इंक्रीज कर दिया, ताकि उसको उस वैसी एक्टिविटीज को यहाँ पे कम करा जा सके, क्लियर। पर जो पर्सन यहाँ पे एडिक्ट हो गया है उसके लिए कोई मैटर ही नहीं करता है यहाँ पे टैक्स इंक्रीज कितना भी कर दो। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर ड्रिंकिंग की आदत है, वो यहाँ पे एडिक्ट हो गया है, अब कितनी भी एक्सपेंसिव कर दो उस चीज को, वो ड्रिंक तो करेगा ही करेगा, क्लियर। तो वो वाली चीज है कि टैक्स से इतना ज्यादा यहाँ पे कंट्रोल देखने को नहीं मिला है, क्लियर। इसके अलावा अगर इसके फेवर के अंदर बात करते हैं तो फेवर वाले भी बहुत सारे जने हैं जो कि बोलते हैं कि इसके कारण क्या होता है, कंट्री के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है इकोनॉमी के अंदर, GDP के अंदर, क्लियर, जिसके कारण जॉब क्रिएशंस देखने को मिले हैं, क्लियर। इसके अलावा जॉब क्रिएशंस देखने को कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि नए नए गेमिंग के स्टार्टअप्स यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो रहा है, क्लियर। उसके अलावा टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजों के यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट्स यहाँ पे बताए गए, क्लियर। यहाँ पे ये भी बताया गया है 2026-27 तक क्या जो इंडिया का GDP होगा उसके अंदर $300 बिलियन का यहाँ पे गेमिंग सेक्टर का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, क्लियर, जो कि बहुत बड़ी चीज है, क्लियर। तो इसको पूरा तरीके से अपन अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से इसका कंट्रीब्यूशन जो है GDP में बहुत हाई देखने को मिलेगा और अभी भी हाई है, क्लियर। ये सारी चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है। और अगर इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया क्या 8th रैंक पे ग्लोबली यहाँ पे रैंक करता है, जो कि मोबाइल एप्स के ऊपर जो है सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हो, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इम्पैक्ट है गेमिंग और यहाँ पे ऑनलाइन चीजों का, क्लियर। अब अगर अपन चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं, चाइना ने तो क्या कर रखा है, हर चीज के ऊपर रेगुलेशन लगा रखी है कि एक पर्सन कितनी देर जो है गेमिंग कर सकता है, कितनी देर जो है फोन यूज कर सकता है, कितनी देर जो है सोशल मीडिया एप्स यूज कर सकता है, क्लियर। तो ये सारी चीजों की यहाँ पे भी जरूरत होगी। अब यहाँ पे एक और चीज बता रखी, कंफ्लिक्ट बता रखी, कुछ स्टेट जो इसके खिलाफ यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे रेगुलेशन लगाए, पर जो है दूसरे आसपास के स्टेट्स है वो उनको मैच नहीं कर रहे, वो चीज नहीं अप्लाई कर पा रहे, जिसके चलते यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर नेचर का यहाँ पे बता रखा आपको कि इम्पॉसिबल हो जाता है बैन लगाना, क्योंकि यहाँ पे कुछ कर रहे कुछ जने नहीं कर रहे, क्लियर। तो सबका मिलके सेम चीज करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर।
समझ आया सभी को? यस, रिवॉर्डिंग ट्रैप्स ऑफ गेम्स। यहाँ पे एडिक्शन तो इन्हीं चीजों को बोला जाता है ना, कि उनको यहाँ पे रिवॉर्ड दिए गए छोटे छोटे, जिसके चलते यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे एडिक्शन हो जाता है कि वो डेली यहाँ पे आके खेलेंगे ही खेलेंगे। क्लियर? तो इन सब के चलते यहाँ पे बताया गया पॉजिटिव और नेगेटिव इन सब के। क्लियर? और यहाँ पे एट लास्ट क्या बोला गया, इसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट हैपेंड विनायक? क्लियर? तो रेगुलेशन की यहाँ पे बात करेगी, यहाँ पे बोला गया जैसे यूके ने जैसे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट रेगुलेशन यहाँ पे यूज कर रखे, वो सारी चीजें जो है उनसे देख के अपन को सीखना चाहिए। ग्लोबल पर्सपेक्टिव यहाँ पे बताया गया कैसे कैसे यहाँ पे दूसरे दूसरे नेशंस ने क्या क्या रेगुलेशंस लगा रखे, उसके चलते अपन को भी वैसा ट्राई करना चाहिए। क्लियर? इसको रीड करोगे आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा, जो क्रक्स था, जो सारी चीजें थी वो मैंने आपको इजीली इजी वर्ड्स के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। सो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते, इजराइल स्ट्राइक्स साउथ सेंट्रल गाजा एज वॉर एंटर्स 1100th डे। क्लियर? सो यहाँ पे इजराइल और गाजा की जो वॉर थी वो फाइनली यहाँ पे 100 डेज हो गए उस वॉर को, और उसके चलते यहाँ पे स्ट्राइक्स देखने को मिल रही कंटिन्यूसली इजराइल की तरफ से साउथ और सेंट्रल गाजा के अंदर। क्लियर? अब यहाँ पे एस सच न्यूज के अंदर न्यू कुछ भी नहीं है, स्ट्राइक्स अगर कंटिन्यूसली चलती जा रही है। क्लियर? कम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विसेज डाउन इन द ओके कंटिन्यूसली तीन दिन तक यहाँ पे देखने को मिला है कम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विसेज जो यहाँ पे बंद है। ऑलमोस्ट 24,000 किल्ड 60,000 वुंडेड सिंस स्टार्ट ऑफ द वॉर। सो जब से ये वॉर स्टार्ट हुई तब से 24,000 लोग जो यहाँ पे जिनकी यहाँ पे डेथ हो गई है और 60,000 से लोग जो है यहाँ पे जख्मी हुए हैं। क्लियर? नंबर ऑफ जनरलिस्ट किल्ड अक्रॉस 100, और जो जनरलिस्ट लोग होते हैं जो कि यहाँ पे मीडिया वगैरह के अकॉर्डिंग वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, उनकी भी यहाँ पे 100% की यहाँ पे डेथ देखने को मिली है। क्लियर? सो ये जो वॉर है 100 डेट के अंदर यहाँ पे एंटर हो गई है, इस वॉर को कंटिन्यूसली 100 डेज हो गए यहाँ पे चल चलते, और अभी भी ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्लियर? इस पूरे के अंदर यहाँ पे यही बता रखा है, ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो 100 डेज का यहाँ पे आपको बता रखा है क्या क्या चीजें हो रखी है, कितनी कैजुअलिटीज हुई इजरायलीज के अंदर, कितने फॉरेन हॉस्टेजेस रखे गए, या आप पीडीएफ के थ्रू रीड कीजिएगा। 100 डेज कन्फ्लिक्ट, किन किन जगहों को यहाँ पे कैप्चर करा गया, कितना कन्फ्लिक्ट यहाँ पे बढ़ा है, इस कन्फ्लिक्ट के चलते और भी बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुए, जैसे रेड सी एरिया के अंदर आप सभी जानते हैं हुतीज जो है कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं। क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि वो यहाँ पे इसराइल से रिलेटेड और यूएस से रिलेटेड जितने भी मर्चेंट शिप आ रहे हैं उनके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो गाजा को सपोर्ट करते हैं। क्लियर? और ये हुतीज किसके द्वारा बैग्ड है? ईरान द्वारा बैग्ड है। क्लियर? क्योंकि ईरान ने जो है यूएस ने जो ईरान के ऊपर सेंशन लगा रखे, तो ईरान भी जो है यहाँ पे इसराइल के खिलाफ है, और इसराइल के साथ कौन है? यूएस है। क्लियर? तो यूएस और इसराइल के जितने भी शिप जा रहे हैं इस रूट से उनके ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूसली अटैक देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चलते चीजें जो है यहाँ पे इस वॉर के कारण बहुत सारी और भी चीजें यहाँ पे कंटिन्यूसली चलते हुए देखने को मिल रही है। क्लियर? ये मैप है आपके सामने यहाँ पे गाजा का और यहाँ पे इसराइल का। सो नेक्स्ट न्यूज है अपने पास, टफ रोड अहेड फॉर ताइवान्स लाए विद प्रेशर फ्रॉम चाइना एंड नो मेजोरिटी। सो अभी थोड़े दिन, एक दो दिन में ही अपन को यहाँ पे देखने को मिला था, ताइवान न्यूज में था। क्यों था? क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस थे। क्लियर? इलेक्शंस थे और इलेक्शंस बहुत ज्यादा मैटर करता है ताइवान के अंदर। क्लियर? और यहाँ पे विलियम लाई जो है, ये लाई यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है, विलियम लाई जो है वो यहाँ पे इलेक्शंस यहाँ पे जीत जाते हैं फाइनली। क्लियर? और ये एक तरीके से चाइना के अगेंस्ट होते हैं, चाइना के अगेंस्ट में होते हैं हमेशा से। क्लियर? आप जैसे कि जानते हैं यहाँ पे दो तीन पार्टीज होती है जो यहाँ पे कंडक्ट करती है, मतलब प्रेसिडेंटशिप के लिए यहाँ पे फाइट करती है, जिनमें एक पार्टी थी डीपीपी। क्लियर? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिनकी तरफ से कौन यहाँ पे फाइट कर रहे थे? लाए फाइट कर रहे थे, विलियम लाए। दूसरी पार्टी थी केएमटी। क्लियर? ये एक तरीके से सपोर्ट करती है चाइना को, ये पार्टी जो है यहाँ पे चाइना के अगेंस्ट में होती है हमेशा। तो लास्ट दो साल से जो है डीपीपी जीतती आ रही थी, पर यहाँ पे प्रोविजन क्या है कि कोई भी पर्सन जो है दो साल से ज्यादा कंटिन्यूसली यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता। तो उसी पार्टी से यस, चाइना और चाइना इन ताइवान की कंफ्लिक्ट के बारे में ही अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसी की यहाँ पे बात करी जा रही है। क्लियर? सो डीपीपी पार्टी के अंदर कंटिन्यूसली दो साल से जीत रहे थे। क्लियर? तो यहाँ पे ताइवान में
कोई प्रोसेस फॉलो होता है कि 2 साल तक कंटिन्यूसली अगर कोई रह रहा है उसके बाद वो वापस से पावर में नहीं आ सकता। तो उन्हीं की पार्टी की तरफ से यहाँ पे जो विलियम लाय यहाँ पे खड़े हुए थे और यहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं। क्लियर, कितनी मेजोरिटी से थे, 40% यहाँ पे इनको वोट्स मिलते हैं। केटीएम को यहाँ पे कितने मिलते हैं, 33.49% यहाँ पे इनको वोट्स मिलते हैं और यहाँ पे अच्छे खासे एरिया से यहाँ पे विन कर जाते हैं। क्लियर, समझ आया। अब ताइवान में क्या 2 टाइप्स के इलेक्शन होते हैं, सिर्फ एक ही इलेक्शन नहीं होता, एक तो प्रेसिडेंटशिप के लिए यहाँ पे इलेक्शन होता है और यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी होता है जिसकी यहाँ पे इस न्यूज के अंदर बात करी जा रही कि विलियम लाय जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पद पे तो यहाँ पे जीत गए पर पार्लियामेंट में जो है उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं आई। क्लियर, यहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट आई है जिसके चलते यहाँ पे जो है इनकी मेजोरिटी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। क्लियर, तो इसके चलते जो इनको कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। क्लियर, मेन कंफ्लिक्ट रीजन यहाँ पे यही है कि चाइना जो है ताइवान को अपना ही मानता है। क्लियर, चाइना एक तरीके से ऑटोक्रेटिक देश है और ताइवान जो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल्स फॉलो करता है। क्लियर, तो एज सच ताइवान की तरफ से कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि वो इंडिपेंडेंट है या फिर चाइना के इंक्लूडेड है। क्लियर, तो यही यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे फाइट चलती रहती है। चाइना जो है इसको बोलता है कि हमारा एरिया है। क्लियर, और यहाँ पे ताइवान जो है पूरा यहाँ पे क्लियरली नहीं बताता है। क्लियर, तो ये मेन कंफ्लिक्ट है, चाइना का इन्फ्लुएंस इस एरिया में ज्यादा है एक तरीके से। अब चाइना के साथ ये भी था अभी कि जैसे ही अगर ये पावर के अंदर आ जाती डीपीपी तो यहाँ पे चांसेस है कि चाइना जो है वॉर एक तरीके से छेड़ सकता है ताइवान के ऊपर। क्लियर, वो इसलिए अभी तक चुप बैठा था, क्यों बैठा था, उसको लगा केएमटी अगर जीत जाती जो कि उनकी उनकी फेवर के अंदर है तो उनको यहाँ पे वॉर वगैरह सिचुएशन की जरूरत ही नहीं होगी। पर यहाँ पे डीपीपी देखने को मिली और यहाँ पे भी विलियम लाय जीते हैं जो कि चाइना के अगेंस्ट में है। क्लियर, एक तरीके से देखो यहाँ पे क्या बता रखा, आई हैव एन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन ताइवान स्ट्रेट, ही एडेड दैट ही इज डिटरमाइंड टू सेफगार्ड ताइवान फ्रॉम द थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन फ्रॉम चाइना। सो यहाँ पे चाइना जो है कंटिन्यूसली ताइवान के खिलाफ जो है बहुत सारे थ्रेट्स और जो बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे करता रहता है। क्लियर, जिससे ताइवान के लोगों को यहाँ पे डर बना रहता है हमेशा, और इन्होंने आते ये चीज बोली थी कि ताइवान की पीस और स्टेबिलिटी की ये बात करेंगे यहाँ पे। क्लियर, इलेक्शन के टाइम भी चाइना ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे यूज करी थी जिसके चलते जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करा ताकि जो ये डीपीपी गवर्नमेंट है इनके बारे में गलत फेक न्यूज यहाँ पे फैला सके, पर ये सारी चीजें उनकी यहाँ पे फ्लॉप हो गई एक तरीके से और एक डीपीपी जो है यहाँ पे जीत गई है। क्लियर, समझ आया सभी को। अब यहाँ पे क्या, इनकी जो पार्लियामेंट के अंदर भी जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर यहाँ पे इनकी मेजोरिटी नहीं है, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो इनका आने वाला टर्म है उसके अंदर इनको बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स और प्रेशर देखने को मिलेंगे चाइना की तरफ से, क्योंकि इनकी मेजोरिटी नहीं है यहाँ पे, हर चीज के चलते इनको जो है डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। क्लियर, सो मेन डिटेल के अंदर पूरा अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया यहाँ पे क्या यहाँ पे हो रहा है ताइवान के अंदर। क्लियर, चाइना से रिलेटेड, और यहाँ पे चाइना ने वॉर्न भी करा था, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा रखा है। पेपर इट विथ सेशन इन क्लैट एक्सप्रेस मीन्स आपको छोटे छोटे साइड में टॉपिक जो नीचे गिवन होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड ही होते कहीं ना कहीं, तो अगर आपने मेन टॉपिक जो समझ लिया क्लैट एक्सप्रेस के अंदर जो है उसके साथ साथ जो नीचे शॉर्ट टॉपिक्स दे रखे वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनके बारे में और ज्यादा पढ़ो और समझो ताकि आपको उसके रिगार्डिंग और भी जो न्यूज है डिटेल के अंदर समझ आ जाए। क्लियर, तो यहाँ पे चाइना ने वार्निंग्स भी दी थी ताइवान के अंदर ताइवान के वोटर्स को कि वो राइट चॉइस करें 2-3 दिन पहले जो इलेक्शंस हो रहे थे उससे पहले, ताकि जो है उनके खिलाफ जो है यहाँ पे चाइना ना जाए। क्लियर, अ विन फॉर द रूलिंग पार्टी कैंडिडेट विलियम लाय वुड पोज अ डेंजर टू रिलेशंस चाइना से, तो चाइना यहाँ पे खुलेआम यहाँ पे जो है यहाँ पे थ्रेट्स दे रहा था, फिर भी उनके चलते भी जो है यहाँ पे डीपीपी पार्टी जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यहाँ पे अपन को गवर्नमेंट रन करते हुए देखने को मिली है। क्लियर, सो नेक्स्ट आर्टिकल जो है स्टेटस ऑफ मेडिकल केयर ऑन इंडियन ट्रेन्स, ये जो है मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, आपकी ड्यूटी इसको डिटेल के अंदर पढ़ना क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर है। क्लियर, इस आर्टिकल में मेनली क्या बताया गया है कि मेडिकल केयर प्रोविजन इन इंडियन रेलवे नीड टू एड्रेस इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस एंड नॉट एक्सीडेंट रिलेटेड इमरजेंसीज अलोन। अब इंडियन रेलवे क्या अभी की तारीख में सिर्फ एक्सीडेंट रिलेटेड जो इमरजेंसीज होती है उस पर ज्यादा फोकस कर रखा है। क्लियर, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल कंडीशन भी होती है बहुत सारी जो ट्रेन के अंदर होती है लोगों के साथ, उसके ऊपर भी जो है यहाँ पे फोकस करना चाहिए।
क्लियर। तो ये चीज के ऊपर जो है पूरा आर्टिकल है, और इस पूरे आर्टिकल में यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चीजें इन्होंने इंडियन रेलवे ने करी है, कैसे कैसे वो असफल हुए और लास्ट में अभी फाइनली क्या होगा, मैंने हाईलाइट करा है। जैसे 1995 के इन्होंने स्पेशल फर्स्ट एड बॉक्स बनाया था, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती है उसके अंदर, जिसके अंदर 49 इंपॉर्टेंट आइटम्स इन्होंने ऐड करे थे, क्लियर। और एक डॉक्टर बोला था जो कि ट्रेन के अंदर ट्रेवल करेंगे, उसी का इन्होंने आगे वर्जन बनाया जिसमें 58 आइटम्स इंक्लूड करे, क्लियर। इसके अलावा इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक टीम रहेगी जिसके अंदर एक मेडिकल ऑफिसर रहेगा, मेल नर्स रहेगी, एक अटेंडेंट रहेंगे, पर मैक्सिमम टाइम देखा गया वो आइडली बैठा है, और सिर्फ 4 क्रिटिकल केस यहाँ पे देखने को मिले। उन 4 क्रिटिकल केस में भी उन लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई, मतलब यहाँ पे इनका कोई यूज ही नहीं हुआ जो इन्होंने यहाँ पे सिस्टम रखा था। और भी बहुत सारी यहाँ पे चीजें इन्होंने करी थी उसके बारे में गिवन है, आप रीड करेंगे। फाइनली 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रेलवे को डायरेक्ट करा कि एक कमेटी बनाइए एक्सपर्ट की, किसके साथ, एम्स के साथ मिलके, और रिकमेंडेशंस जो है आप यहाँ पे तय कीजिए, क्लियर। जिसके चलते इन्होंने यहाँ पे कमेटी बनाई और यहाँ पे रिकमेंडेशंस जो है यहाँ पे आपको गिवन है, क्लियर। फिर भी जो है प्रॉपरली इसका फॉलो नहीं करा गया, बहुत सी चीजें यहाँ पे देखी गई कि एक्सपायर पाई जाती है जो मेडिकल किट्स होते हैं, प्रॉपर यहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, तो इन सब चीज के चलते जो है ये पूरा आर्टिकल आपके सामने। रोड अहेड इसके अंदर क्या बता रखा है कि आने वाले टाइम में अपन को क्या एक्शंस लेने चाहिए, जैसे कि इमीडिएट स्टेप के अंदर क्या बताया गया कि 88 आइटम्स की जो लिस्ट यहाँ पे बनाई गई थी एम्स द्वारा और कमेटी द्वारा, उसको जो है प्रॉपरली यहाँ पे प्रोवाइड करा जाए, इन सर्विसेज को यहाँ पे बनाया जाए और लोगों को अवेयर करा जाए इन सर्विसेज के बारे में, क्लियर। और पीरियोडिक यहाँ पे इंस्पेक्शन होना चाहिए कि क्वालिटी जो यहाँ पे सर्विसेज की यूज करी जा रही, जो मेडिकल ट्रीटमेंट की यूज करी जा रही है, वो यहाँ पे प्रॉपरली यूज हो रही है, अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, क्लियर। और यहाँ पे जो पर्सन यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं उनका डेटा यहाँ पे कैप्चर करना चाहिए उनके हेल्थ के रिगार्डिंग, ताकि जो है प्रॉपरली इनका जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट करा जा सके, क्लियर। सो ये सारी चीजें आर्टिकल के अंदर आपको मेंशन है, रीड करोगे बहुत इजी लैंग्वेज में, इसीलिए आपके लिए छोड़ा है कि आप खुद से रीड करो और अच्छे से समझो, क्लियर। क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज में बहुत सारी इमरजेंसीज आ जाती है, जैसे हार्ट अटैक रिलेटेड, क्लियर, उसके अलावा बीपी रिलेटेड, डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं, उनको जो है अगर इंस्पॉन्टेनियसली यहाँ पे ट्रीटमेंट दे दिया जाता है तो उनकी यहाँ पे लाइफ सेव हो सकती है, क्लियर। सो एक्सीडेंट के अलावा भी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है उनके रिगार्डिंग भी जो है इंडियन रेलवे को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा पूरा आर्टिकल में बताया गया है। फिर न्यूज समरी पे आते हैं, न्यूज इन शॉर्ट, यहाँ पे फेडरिक एक्स जो है वो यहाँ पे डेनमार्क के यहाँ पे थ्रोन पे आ गए, किसको रिप्लेस करा है उन्होंने, क्यून मार्गरेटा को करा है, जिन्होंने 52 इयर्स बाद यहाँ पे थ्रोन से हटी है, क्लियर। नेक्स्ट अगर देखें, नॉर्थ कोरिया फायर्स मिसाइल इनटू सी, फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट रशिया। सो नॉर्थ कोरिया जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली अपन को देखने को मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान के बीच में टेंशन, सो ये उसी से रिगार्डिंग है कि नॉर्थ कोरिया जो है आए दिन चलते जो है यहाँ पे मिसाइल्स फायर कर देता है उनके एरिया के ऊपर से, जो कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन के खिलाफ एक तरीके से, क्लियर। अभी आप सभी देख सकते हैं, 2 दिन पहले अपन ने देखा था कि जापान ने अपनी स्पाई सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करी है, क्लियर। तो इसी के चलते जो है यहाँ पे ये थ्रेट्स बनाते जा रहा है नॉर्थ कोरिया, क्लियर। और इसी के चलते जो जर्मनी और जापान जैसे देश जिन्होंने कहा था मिलिट्री स्पेंड कम करेंगे, वो अब जो अपना मिलिट्री स्पेंड बढ़ा रहे हैं, क्लियर। यस, आपको बिग जो यहाँ पे फोकस उन्हीं पे करना है, यहाँ पे जो भी बिग इवेंट्स हो रहे हैं उन्हीं पे फोकस करना है मेनली, तो पर एकदम छोटे छोटे मतलब एक मीडियम इवेंट्स भी होते हैं जो कि न्यूज बन सकते हैं, आपको उनको भी यहाँ पे पूरी तरीके से हटाना नहीं है। बिग इवेंट्स पे तो सब जने ही फोकस कर लेते, फॉर एग्जांपल चंद्रयान 3 अभी जो हुआ था, चंद्रयान 3 के बारे में हर एक बच्चे को डिटेल में पता होगा, क्लियर। सो उसके अलावा भी छोटी छोटी न्यूज होती है जिन पे मेजरली लोग फोकस नहीं करते, तो वो फोकस भी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। बिग न्यूज तो आपको पता होनी ही चाहिए, पर उसके अलावा जो शॉर्ट न्यूज भी इंपॉर्टेंट है उसको आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे उस चीज को कवर करने का, क्लियर।